यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से सरकार बनाम समाजवादी पार्टी या यूं कहें विपक्ष शुरू हो गया है। दरअसल सरकार के आह्वान के बाद अब एक बार फिर से विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जिसकी सीमा 4 दिन की रखी गई। लेकिन पहले ही दिन यहां एक तरफ भले ही पहले दिन का कामकाज नहीं हुआ, सिर्फ दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इस बीच भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। दरअसल नई नियमावली का विरोध होना शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने अलग ही तरकीब निकाल ली। दरअसल सपा विधायक ने यूपी विधानसभा की नई नियमावली के विरोध के लिए अनोखा तरीका अपनाया और उन्होंने अपने कुर्ते पर ही नारे लिखकर अंदर पहुंच गए, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम सवाल उठाए गए थे। दरअसल पिछले सत्र में पारित विधानसभा की नई नियमावली के तहत विधानसभा संचालित की जा रही है। विधानसभा की नई रूल बुक के अनुसार विरोध करने के लिए किसी भी प्रकार के बैनर पोस्टर अंदर ले जाना और इसके अलावा मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। हर सत्र में अब तक विपक्ष विरोध में बैनर पोस्टर लहराकर अपना विरोध जताता रहा है। इतना ही नहीं, माननीय या यूं कहें मंत्री विधायक और अन्य सदस्यों को मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद वेग के विरोध करने का तरीका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने अपने कुर्ते के पीछे लिख रखा था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, होश में आओ योगी सरकार, यूपी बना जंगल राज, कहां सो रहे योगी महाराज, गोरखपुर का अमृत रस, थानेदार बेचता है चरस, दलितों को पिलाया जाता है पेशाब, इसका कौन देगा जवाब, योगी सरकार मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त। ये तमाम नारे उन्होंने अपनी पीठ पर अपने कुर्ते पर लिख रखे थे और वो खास बात यह है कि एक साइकिल से पहुंचे थे। और इसी नियमावली को लेकर के एक बार फिर से यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुकाबला तेज हो गया है और बयानबाजी भी। इस दौरान यूपी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है, उसमें यही नज़ारा बदला नजर आया। एक तरफ जहां जाहिद बेग अपनी पीठ पर नारे लिखकर पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक इसके विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। खास बात यह है कि अब तक विरोध के लिए तमाम तरीके अपनाने वाली समाजवादी पार्टी इस बार अलग रूप में दिखी। लेकिन जैसे ही आज का सत्र शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायक काले कपड़े में नजर आए, विरोध में नारे लिखे हुए ये भी दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के सवाल पूछती रही है और वो पूछना वो बंद नहीं करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी और उनके विधायकों की इस हरकत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि विपक्षी विधायकों को शिष्टाचार बनाए रखने के साथ ही ये ध्यान देना चाहिए कि वो जनता के मुद्दों के सवाल उठाए, जिनका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और वो देगी भी। आपको बता दें कि 66 साल बाद यूपी विधानसभा में नई नियमावली लागू हुई है और इसमें बदलाव हुआ है। नई नियमावली के तहत पहली बार सत्र का संचालन ये हो रहा है और इसीलिए विपक्ष काले कपड़े पहनकर यहाँ पहुँचा था। आपको बता दें कि इसी नियमावली को पास पिछली विधानसभा के सत्र में किया गया था और उसके बाद अब ये लागू हो गई। इसी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। अब देखना है आने वाले सत्र के जो बाकी बचे हुए दिन हैं उनमें क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।